क्यों कहलाए अमर बलिदानी खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये नीला कासवार जिस दरबार में हजारों की भीड़ हुआ करती थी, आज क्यों करोड़ों में पहुंच गई है? ऐसा क्या है दरबार में कि हर कोई भागता हुआ नजर आ रहा है कि चल खाटू चल खाटू चल खाटू? किसी भी दिन कोई दिन मेले से कम नहीं रह गया। जब मर्जी खाटू चले जाओ, बाबा के दरबार में मेला लगा हुआ है। सनातन धर्म का एक अकेला देवता जिसमें सिर्फ शीश का दर्शन है और श्रृंगार है, ऐसी क्या बात है जो कलयुग में इनका नाम का डंका बजता हुआ जा रहा है? जरा ध्यान से सुनना, जिन्होंने कथा नहीं सुनी, बाबा कौन है सिर्फ 8 मिनट देना। 8 मिनट में आप महसूस करोगे कि मैं भी शाम का वो प्रेमी हूँ, पता नहीं कितने सालों से बाबा मेरे पास है। मां, मैं कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मां
युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर हो गए। माँ बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले दो वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है चलिया है। बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर
हाथ जोड़ दिए। मेरी आवाज थोड़ी और बढ़ा देना, अगर आसपास कोई घर में सो रहा हो तो उसका सोते का भी बेड़ा पार हो जाए, थोड़ा और बढ़ा दो जरा। परबरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे परबरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरी तुम्हारा। इन तीनों में से किसी एक के शीश का दान बन जाए तो कलयुग में धरती का कल्याण हो जाए। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करना। वचन निभाते हुए बर्बरीक ने निकाली तलवार, बोले प्रभु लो, ये मारवी नंदनाथ का वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने इसके रूप में आइए, ये मोरवी लाल आपको शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर धोनी पता कर खड़ा हो गया। झोली पसार लो, और मैंने भी झोली पसारी थी। चलो चलो।
खाटू जाते थे या खाटू वाले का नाम भी सुना था क्या? क्यों